अगर आप अपने पूरे सिस्टम को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले आए और बहुत तेजी से सांसें न ले रहे हों, तो आपका बोध बढ़ता जाता है। आमतौर पर एक इंसान एक मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है। सांस का इससे सीधा संबंध है कि मानसिक उतार चढ़ाव कैसे हैं। पता नहीं विज्ञान ने यह खोजा है या नहीं, पर हमारे अनुभव में बिल्कुल मौजूद है। मान लीजिए स्वाभाविक रूप से, जबरदस्ती नहीं, आपके सिस्टम से सही चीजें करके अगर आपकी सांसें 11 से नीचे आ जाती हैं, तो आप अपने आसपास के कई कंपन समझना शुरू कर देते हैं। यानी शब्दों की गति से कम गति की आवाजें जो जानवर निकालते हैं वो आपके लिए स्पष्ट हो जाती हैं। जब आपकी सांसें 9 से कम हो जाती हैं स्वाभाविक रूप से बिना किसी कंट्रोल के, तो पेड़ जो फैला रहे हैं, वनस्पतियां जो कर रही हैं, वो आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाता है। अगर आपकी सांसें 6 से कम हो जाती हैं, तो बेजान चीजें कैसे कंपन कर रही हैं, इसे रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं। This is known as रितंबरा प्रज्ञा। यानी हर रूप के कंपन और उससे जुड़ी ध्वनियां आपके लिए बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है। अगर आप बेजान चीजों की भाषा जानते हो तो, कि हर रूप की बनावट कैसी है, उसकी प्रकृति क्या है, वो अभी क्या है, वो आगे जाकर क्या बनेगा, या वो कल क्या था और आज क्या बन गया है, ये सभी चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे जीवन चलाने की चिंताएं कम हो जाएंगी, इंसान स्वाभाविक रूप से ऊंची चीजों का बोध पाने लगेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है स्थिर विद्युत का स्तर, क्योंकि ब्रेथ इज अ सर्वाइवल प्रोसेस, इफ यू सिट स्टिल इट गोज डाउन। सांसें जीवन चलाने की प्रक्रिया है। अगर आप स्थिर बैठते हैं तो सांसें कम हो जाती हैं। आपका शरीर जितना स्थिर होता जाएगा आप उतनी ही सांसें कम लेंगे। अगर आप अपने पूरे सिस्टम को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले आए और बहुत तेजी से सांसें न ले रहे हों, तो आपका बोध बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे स्थिरता गहरी होती है, इसे पारंपरिक रूप से कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसे आमतौर पर रुद्र, हरा और सदाशिव कहा जाता है। पहले स्थिर हैं, पर उनमें कंपन है, वे गरज रहे हैं। दूसरे स्थिर हैं, लेकिन वे कार्यों में स्थिर हैं। तीसरे बिल्कुल स्थिर हैं। वे जो बिल्कुल स्थिर हैं, हमेशा उन्हें परम बुद्धि माना जाता है। बाकी की हर चीज सक्रिय होने की चिंता में अपनी बुद्धि खो रही है एक निश्चित स्तर पर सक्रिय होने के लिए, लेकिन वो जो बिल्कुल स्थिर है उसे सबसे ऊंची बुद्धि माना जाता है।